साहित्य, समाज और संस्कृति। तो हमारा समाज, इसको फिर मैंने लेके अपना समाज में कुछ बदलाव करना है। और यूथ जब काम करता है ना तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हम सोचें कि एक दो स्कूल को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है ना, अच्छे टीचर्स नहीं पहुँच पा, कुछ ऐसे यहाँ पे रेस्टोर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मतलब आपको 50% पैसे देंगे फिर फंसा देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रॉड है कि आप कभी भी किसी की वीडियो उठा के मत छापिए, हमेशा आप प्योर कंटेंट बनाइए। खूब मेहनत की है, हमने अपना पेट्रोल फूक के धूप में तप के वीडियो बनाई। लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कौन चला रहा है पेज नहीं पता, दूसरे के वीडियो उठा रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में और इन्फ्लुएंसिंग के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एक और चीज़ डिस्कस कर ली जाए, जो कि है ट्रस्ट। आपने चौचक हब ट्रस्ट करके अपने ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मैं देख रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। चौचक हब सेवा ट्रस्ट, ये तो बेसिकली जो चौचक हब सेवा ट्रस्ट है, मैं सोशल चीज़ों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने स्लम्स में भी पढ़ाए हुए हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाए हुए हैं 3-4 साल, और बीटेक कॉलेज में भी था, तो वहाँ पे रोटरी रोट्रैक्ट सुना होगा आपने, है ना। तो कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज वालों का होता है रोटरी, है ना, रोट्रैक्ट वालों का ही ब्रांच होता है ये, जो हर कॉलेज में चलता है, रन कराया जाता है, जो वहाँ के डायरेक्टर वहाँ के चेयरमैन चलाते हैं। तो रोटरी, वहाँ का मैं PRO भी रहा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, है ना, तो उस पर भी मैंने काम किया। तो ये सब करते करते थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता था, जैसे मैंने सेटिस्फैक्शन मिलता था मन को, है ना, कि करना है यार, कुछ अलग करना है। बाकी सबको पढ़ तो सब रहे हैं, जॉब सब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना, तो वही घिसी पिटी लाइफ, वही करना है, तो थोड़ा सा रैट रेस, हाँ वही रैट रेस चल रहा है। तो जिसको नीड है ना, उनके लिए भी कुछ करते हैं, तो ये सब करता था। उसके बाद फिर मैंने अपना चौचक हब पेज, उस पर तो बनाया ही, फेसबुक पे बनाया, इंस्टा पे, हर जगह बनाया, है ना, ये सब चीज़ें हमारी वर्क चलती रहीं। तो हम 300 पे काम करते थे, 300 साहित्य, समाज, संस्कृति, ठीक है। चौचक हब का हमारा मोटिव यही था और यही है भी, साहित्य, समाज और संस्कृति। तो हमारा समाज, इसको फिर मैंने लेके अपना समाज में कुछ बदलाव करना है। और यूथ जब काम करता है ना तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यूथ, तो फिर ये हमने यूथ को लिया, है ना, अपने शहर में हमारे भाई हो गए हैं और उनके दोस्त हो गए हैं, तो करते करते हमारी 15-20 लोगों की टीम थी। तो हम लोग क्या करते थे कि अपना लोगों के घरों से कपड़ा इकट्ठा किए, किसी का जरूर है ना, अपना वेस्टेज हो जाता है, हम लोग फेंक देते हैं ऐसे, तो हम बोलते हैं आप फेंकिए नहीं, तो आप हमें दीजिए। फिर हम वहाँ से इकट्ठा करते थे, फिर अपने रूम पे लाते थे, क्योंकि हम लोग भी रूम पे रहें, घर तो हमारे दूसरी में पर रूम पे रहते, तो रूम पे ले आए वहाँ पे इकट्ठा, खुद से सब मिल के उसको अलग अलग, पैंट अलग, शर्ट अलग, सेग्रीगेट करते थे, पैकेट बनाया, है ना, उसमें चावल आटा ये सब करके हम निकलते थे अपने परेड में या शहर में जहाँ भी बांटना है बांटते थे। फूड का होता था कि अगर आपके यहाँ कोई इवेंट पड़ता है, खाने बच जाते हैं, है ना, तो आप फेंकिए नहीं, आप हमें कॉल कर दीजिए, हम आएंगे, खाना बांट लेंगे। हमने संगम में बांटे हैं, नैनी साइड में बहुत जगह खाना बांटा है ना, एजुकेशन पे भी काम किया हमने, ठीक है। तो हमने गांव में, गांव की तरफ भी हमने अपना रुख मोड़ा। तो उसके बाद फिर एक दो स्कूल्स थे, है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, गाँव में बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, गाँव से भी सब आए, हम लोग भी आए, सब गाँव से ही हैं, बट ये कि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, है ना। तो हम सोचें कि एक दो स्कूल को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, है ना, अच्छे टीचर्स नहीं पहुँच पा रहे, बस बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। तो एक दो ऐसे स्कूल हमारे गांव साइड में था, तो हमने उनको भी अडॉप्ट किया कि करते हैं बच्चों के लिए। तो उन लोगों पे भी हम लोगों ने काम किया, शहर से कुछ लोगों को ले गए, है ना, वो अपना, मैं खुद भी जाता था पढ़ाने कभी कभी, हफ्ते में जब भी टाइम मिल गया तो मैंने बच्चों को जाके वहाँ पढ़ाया अपने हिसाब से, जो भी उनको नीड है, जो भी उनको ज़रूरत पड़ती थी स्कूल में, पंखे चाहिए चाहिए, अपने हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ किया। तो उसके बाद ये करते करते फिर धीरे धीरे हमने अपना एक ट्रस्ट बना के हमने इनको रजिस्टर्ड भी करा लिया, चौचक हब सेवा ट्रस्ट। तो ये हम बेसिकली 3-4 साल से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने हुआ कि यार इंस्टा पे भी थोड़ा सा इसको एक्टिव करते हैं, क्योंकि अब क्या चाहिए मुझे, हम ये चाहते हैं कि यूथ हमारे साथ जुड़ जाए और एक ब्रॉड लेवल पर हम काम करें अपने शहर प्रयागराज के लिए, क्योंकि एक बदलाव सरकार अपने काम कर रही है ना, हमें भी करना है ना? और जब यूथ जुड़ता है तो अच्छा काम होता है। तो ये एक यूथ जुड़ के हमारे साथ शहर में एक बदलाव करे, अपने लेवल पे करिए, ये भी नहीं कि हमको ये बहुत बड़ा ये करना है। आप अपने घर के पास हैं, आप अगर अपने घर के पास किसी गिरे हुए को उठा देते हैं, कोई बाइक से गिर गया, ये भी एक समाज कार्य है,
है ना, कोई गिर गया आप उसको उठा दें, कोई आप घर से सामने से जा रहा आप उसको पानी पिला दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, तो ये सब भी एक समाज कार्य है। तो ये है कि अपना माइंड सेट आप बदल के अपने तरीके से बेसिक लेवल पर काम करिए, साथ में हमारे से जुड़ के हम एक ब्रॉड लेवल पर भी एक काम करते हैं। तो ये हमारा एक मोटिव है और अब इस पर हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, करेंगे पूरा प्लानिंग के वेज में, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ें, ओके, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और जितने लोग देख रहे हैं वो सब भी जुड़ें। हाँ बिल्कुल, जुड़ सकते हैं, हमको DM करके जुड़ सकते हैं। बस यही है, समाज में बदलाव, बस चौचक अब किए कि यही सब साथ चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिंग के पार्ट पे, और बेसिकली जैसे प्रमोशंस के बारे में जैसे अगर ले लिया जाए, हाँ, प्रमोशन का क्या आपका प्रोसेस है? प्रमोशंस का जो प्रोसेस है वो ये है कि बेसिकली यार देखो, हम पेज पे हमारे ऑडियंस है तो लोग चाहते हैं कि हम लोगों से प्रमोशन करा लें, कि उनको भी ऑडियंस रीच चाहिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली या तो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, या तो अगर हो सकता हो तो कभी कभी होता है कि अगर हमको लगता है कि यार ये जगह अच्छी है, यहाँ करना चाहिए, तो एक हर इन्फ्लुएंसर लगभग ये करता है कि एक मैसेज आप एक ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, या तो उधर से भी कॉन्टैक्ट आते हुए हैं, तो लगभग आते ही हैं। अगर आपकी अच्छी रीच है, अगर आप शहर में जानकार हैं और आपको लोग जान रहे हैं, तो उधर से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कॉल आ जाता है अपने आप, तो भैया ऐसा है, हमारा ये रेस्टोरेंट है, या तो ये चीज़ है, या आपको एक प्रमोशन करना है, आपसे वीडियो बनाना चाहते हैं, आपकी रीच देखें अच्छी है, या तो जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो वीडियो अच्छा बनाते हैं, बोलते हैं अच्छा है, तो ऐसे करके ठीक है। तो फिर हम ना अपना मुंह से नहीं बताते हैं भाई कि क्या हम चार्ज लेते हैं, वो नहीं, फिर हमने एक लिखा हुआ, अच्छा एक बढ़िया लिखा कि भाई इतना, एक रील का, एक स्टोरी का कोटेशन, एक कोटेशन हमने बनाया, उसको हमने बोला ठीक है हम आपको मैसेज करते हैं, मैंने उनको भेज दिया, हमने क्या सबने ये सब यही करते हैं, एक भेज दिया, फिर वहाँ से अगर उनको लगा कि हाँ एक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, करा लेना चाहिए, अगर उनका और हमारा बनता है सेटलमेंट, तो फिर हम करते हैं, फिर उनको हम एक रील देते हैं, स्टोरी देते हैं, फिर ऐसा जाके अपना शूट करते हैं, तो बस यही एक प्रोसेस है। तो इसके बीच में भी कभी फ्रॉड और ऐसा कुछ लगा कि सामने वाला जो है वो पीछे हट रहा है ऐसा कुछ? फ्रॉड क्या होता है, होता है फ्रॉड, क्या कह सकते हैं, दरअसल अब क्या होता है कि काम होने के बाद आप अगर पैसा आपको ना मिले तो बुरा लगता है ना। बिल्कुल, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि जैसे उनकी डील क्या होती है कि हाँ ठीक है, पहले आपको मैं 40% या 50% पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो बनने के बाद या अपलोड होने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो ठीक है इस पर डील हो जाती है, पर ये हो कि हाँ आप दोगे तो होता है कि हाँ हम देंगे, तो मान लीजिए हम शूट करने गए, शूट के बाद हमने 50% पैसा ले लिया, जब वीडियो हो गई, सब कुछ बन गई, हमने अपने पेज पे डाल दिया, है ना, उसके बाद लोग पैसा फंसा देते हैं, क्योंकि उनका तो काम हो गया ना, वो तो अपना वीडियो डलवा ली, हमने अपना मेहनत की, हमने अपना कर्म कर दिया, अब उनका कर्म है कि दे ना दें, और वो नहीं देते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं शहर में, है ना, वो आप गए शूट करके आए, तुरंत आपको शाम को पेमेंट आपका अकाउंट में, फुल पेमेंट, है ना, है ना, ऐसे स्कूल एक है यहाँ पे, तो उनका लगभग शहर में सभी लोग करते हैं, और बहुत अच्छी स्कूल है, और उनका ये है कि वो पेमेंट में ऐसा कुछ भी उनका कभी नहीं हुआ, स्कूल करके आई या शाम को आपके अकाउंट में पैसा, ठीक है, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा काम करने में फिर ना थोड़ा मज़ा आता है, यार आ गया है अब चलो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया है कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो माइंड फ्रेश है, अच्छे से मन लगा के काम करो। कुछ ऐसे यहाँ पे रेस्टोर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मतलब आपको 50% पैसे देंगे फिर फंसा देते हैं, तो यहाँ पे ये फ्रॉड है, पर नहीं करना चाहिए यार, थोड़ा सा तो पैसा है, क्या है बहुत ज़्यादा तुमको चार्ज लग रहा है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो एक इन्फ्लुएंसर बहुत स्ट्रगल करता है ना, वो अपना काम भी कर रहा है, दौड़ के आपका वीडियो बना रहा है, उसको कंटेंट भी बनाना है, उसको प्रमोशन भी करना है, वो सब कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, रात भर अपनी आँखें फोड़ रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, मतलब इस समय इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं तो आपको पूरा चीज़ खुद करना है, है ना, आपको वीडियो शूट करना है, आपको कॉन्टेक्ट करना है, आपको एडिटिंग करनी है, आपको स्क्रिप्ट लिखना है ना, कैसे पोस्ट करना है ना, पोस्टिंग मैनेजमेंट सब चीज़, पोस्टिंग मैनेजमेंट, अगर आप भेज रहे हो पब्लिक, अगर क्लाइंट को समझ नहीं आता है, फिर वो चेंज कराता होगा, फिर चेंज करना है, है ना, हो सकता हो फिर पूरा वीडियो फिर से बनाना हो, है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों को ये सब नहीं दिखता, तो यहाँ पर वो फ्रॉड कर देते हैं, पर नहीं करना चाहिए, सबसे रिक्वेस्ट है क्लाइंटों से कि भाई सब बहुत मेहनत करते हैं इन्फ्लुएंसर, वीडियो मचूंस जैसे बनो है ना, तो ये खैर ओके। सो ये जैसे कि आपका पेज बेसिकली प्रयागराज बेस ही है, सब चीज़ें आपने प्रयागराज की शोकेस करी हैं अभी तक में, बहुत सारी प्रयागराज की ब्यूटी और प्रयागराज की जितनी भी चीज़ें, बेसिकली ये नहीं कि खाली अच्छाई दिखाएंगे, जो ओरिजिनल चीज़ है वो सब आपने दिखाई है, तो कुछ प्रयागराज के ऊपर क्वेश्चंस हो जाएं,
बिल्कुल हो जाए। लाइक देखते हैं कि आप लोग सब लोग देखते होंगे वीडियोज़ में प्रगर्स के बारे में, और अब देखा जाए कि जो पेज के पीछे जो बंदा है राहुल भैया, अब इनके क्या फीलिंग्स है, ये क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं प्रयागराज पे, ठीक है। मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क इन प्रयागराज, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जगह प्रयागराज की कौन सी? ऐसे तो आप सबसे लोकप्रिय तो आप ऐसे कह लो तो चौक कह लो, लोकनाथ कह लो, है ना, तो क्योंकि लोकनाथ की होली बहुत फेमस है। हाँ, तो लोग दिमाग में तुरंत लोकनाथ, अच्छा वहाँ है वहाँ जहाँ होली होता है। तो अब बाकी वहाँ के खाने के स्ट्रीट फूड्स वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इस समय और तो हैं, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लैंडमार्क्स हैं जो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे जैसे मैं खुद ही जहाँ अल्लाहपुर में रहता हूँ, तिलक नगर, वहाँ पूरा एक लॉबी रहता है स्टूडेंट्स का अल्लाहपुर में, है ना। सलूरी हो गया, यहाँ एक लॉबी रहता है स्टूडेंट्स का, है ना। गोविंदपुर हो गया, तो ये सब लड़कों का हब है जहाँ बाहर से लोग आते हैं पढ़ने, यहाँ पे रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो आप यहाँ पे शाम को जाओगे तो आपको भीड़ ही भीड़ लड़कों की दिखेगी, है ना। कटरा हो गया, ठीक है। तो ये सब एक लैंडमार्क है जो यहाँ पे आपको स्ट्रगलिंग लाइफ दिखेगी, है ना, स्टूडेंट्स की, कि जीवन को कैसे वो रन कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं सब्जी लेने, है ना, आधा किलो आलू ले रहे हैं, आधा किलो भिंडी ले, उसी में 6 लोगों को खाना है, है ना। ये सब चीज़ें स्ट्रगलिंग है। तो वो चीज़ अगर आपको देखना है तो स्ट्रीट में आप लैंडमार्क में आप वहाँ पे देखिए। बाकी शहर प्रयागराज का लोकनाथ तो बहुत फेमस है ही, मेन यहाँ का आइकॉनिक आप कह सकते हैं कि यहाँ होली इतना फेमस है ना। तो ये ओके। बेस्ट स्ट्रीट फूड इन प्रयागराज? बेस्ट स्ट्रीट फूड यार, इस पे तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि अभी रिसेंटली मैंने एक रील पोस्ट की है, है ना। दारागंज में एक चाचा है, दादा है, है ना, जैसे दशा सुमेट घाट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे ठेले पे वो सुबह सुबह लगाते हैं दही जलेबी और साथ में दमालू, ठीक है। तो वो ऑप्शनल है कि आप दही जलेबी खाते हो कि आप दमालू खाते हो, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में यही बताया लोगों को कि हर जगह दही जलेबी मिलता है, पर हमारे प्रयागराज में दम आलू के साथ जलेबी मिलता है, ठीक है। होता है बहुत, मैंने अभी तक मैंने नहीं देखा था, शहर हमारे प्रयागराज में ही ये चीज़ मिलता है, ठीक है। तो दही जलेबी फेमस है हमारे यहाँ, और बाकी आपको पकौड़ा वकौड़ा तो फेमस ही है, पंडित जी की चाट भी फेमस है हमारे कटरा के, है ना, और भी बाकी यही सब है और क्या। एक शब्द जो कुंभ को पूरा डिस्क्राइब करे, प्रयागराज का जो कुंभ होता है, कोई एक ऐसा शब्द, कोई ऐसा एक शब्द कुंभ को डिस्क्राइब करे, तो बड़ा क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन कर दिया तुमने। विश्वास, हजारों लोगों का विश्वास, लोग आस्था, लाखों, हाँ आस्था कह सकते, आस्था कह सकते हैं यहाँ पे ना, हाँ आस्था का संगम हमारा प्रयाग। बिल्कुल। फेवरेट फेस्टिवल यार होली है। अभी वीडियो डाली है, खूब वायरल भी हुआ, पांच छह मिलियन व्यूज भी बढ़िया गए हैं उस पर। अरे वाह, बहुत बने होली, वो जो डीजे वाले के साथ, डीजे वाले ऊपर से, हाँ मस्त उसका, देखा है, देखा लोकनाथ होली, वो तो फेमस ही फेस्टिवल है। अच्छा, कोई अंडररेटेड प्लेस प्रयागराज की जो आपको लगता है कि क्या मस्त जगह है लेकिन ये इतनी फेमस क्यों नहीं है? अंडररेटेड में बताएं तो अभी एक ताले वाले बाबा यहाँ पे हैं, महादेव जी का मंदिर है, उसका भी हमने वीडियो डाला था, वो अंडररेटेड हमारे शहर में किसी को नहीं पता, पहला वीडियो हमने ही डाला था उनका, है ना। उसके बाद बहुत लोग आए वहाँ पे दर्शन किए, ठीक है। ये अब मुट्ठीगंज में है, ठीक है, आर्यकन्ना डिग्री कॉलेज उसके पास में, बहुत अंदर गली में, और ताले वहाँ पे, ताला बंद करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अगर आप पे ताले लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपके पास किसी कोई दोस्त भी है, कालसर्प दोष है और या कोई और दोष है, तो उसकी पूजा भी वहाँ पे कराई जाती है, तो वो अंडररेटेड है। और भी कई ऐसे अंडररेटेड, एक मंदिर आपकी झूसी में, मैंने वीडियो डाली हुई थी, झूसी में शिवाला मंदिर है, अच्छा, है ना, उसके पीछे एक मंदिर है, वो बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या कह सकते हैं आप, वो बन नहीं रही है मंदिर, है ना, क्योंकि वो किसी फैमिली प्रॉब्लम के वजह से वो है, तो वो भी महादेव की मंदिर है और बहुत ही प्यारा है, मतलब बस थोड़ा सा ही कंस्ट्रक्शन बहुत कम है, वहाँ महादेव जी हैं, तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी, बहुत चली थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा झूसी में ये मंदिर है। एग्जैक्टली लोकेशन मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पीला शिवाला, नहीं पीला शिवाला तो आपका यहाँ पे है, ठीक है, गंगोली शिवाला, अच्छा अच्छा, उसके पीछे एक और मंदिर है भोलेनाथ की, वो अंडररेटेड है, उसकी वीडियो शायद अभी तक मैंने ही उसकी उनकी डाली हुई है ना।
वो परमिशन लेके मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, ऐसे बनाने भी नहीं दे रहे थे। अच्छा, मुझे अच्छी लग गई थी वो वीडियो कि भैया यहाँ की वीडियो हमें बनानी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है यहाँ मंदिर, तो वो बनाई थी मैंने वीडियो, तो अच्छी चली थी वो, अंडररेटेड। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं, तो आप बाकी रील देखिएगा, दिखता रहेगा। प्रमोशन चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी भैया के इंस्टाग्राम की भी और मेरे भी इंस्टाग्राम की, चाहो तो मुझे भी फॉलो कर लो। कर लेना। ओके, हिस्टोरिकल प्लेस प्रयागराज में बहुत सारी है, आपकी फेवरेट कौन सी है? हिस्टोरिकल तुमको ध्यान नहीं आ रहा? यूनिवर्सिटी तो हिस्टोरिकल है, वो तो ऑक्सफोर्ड है ना अपने इधर का, यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल। बाकी हमारा हिस्टोरिकल में मंदिर में आप कह सकते हैं हमारा ये अक्षयवट, ये भी तो है ना, ये भी हिस्टोरिकल है, और इस समय तो अच्छा उनका निर्माण कार्य भी हो रहा है, और कॉरिडोर बन रहा है, बहुत प्यारा है ना, तो एक वो तो फेमस ही है। और लोग जो आते हैं तो वो ये होता है कि अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, तो आपको अक्षयवट मंदिर आपको दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि तभी पूरा आपका होता है ना, यही है। ओके, सनसेट पसंद है आपको? सनसेट बिल्कुल पसंद है। फेवरेट स्पॉट क्या प्रयागराज में सनसेट देखने के लिए? मैं बता रहा हूँ। फेवरेट स्पॉट बताता हूँ आपको सनसेट का, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई हुई है। हाँ, है ना, तभी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप जब इधर से परेड ग्राउंड से आप जब बढ़ोगे, शास्त्री ब्रिज है, ठीक है, शास्त्री ब्रिज का एक तो वो वाली ब्रिज मतलब जिसपे से गाड़ियां जाती हैं, हाँ, हाँ। और एक ब्रिज है जिसपे से ट्रेन जाती है। सुबह के टाइम आप जाइए, जब भी सूर्य मतलब उग रहे होते हैं, सनराइज हो रहा होता है, तो एक ऐसा पोर्शन आता है कि दोनों ये पुल है ना, जो जिसपे बसेस गाड़ियां जा रही हैं, और एक पुल है अपना ट्रेन जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एक पोर्शन, एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में आपको सूर्य भगवान ऐसे दिखेंगे, ठीक है? अच्छा, वो एंगल। हाँ, और वो एंगल आप लोगे मतलब थोड़ा सा, अगर अभी तो पता नहीं वो व्यू मिले कि ना मिले, हाँ, प्लेस तो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा जब बारिश का समय होता है ना, तो उस समय जो बैकग्राउंड होता है पूरा लाल रहता है, तो मैंने वो वीडियो डाली भी हुई है, तो वो उस समय बीच का जो पोर्शन है वो व्यूज मुझे बहुत प्यारा लगता है। ओके, okay, मैंने लिया भी हुआ है, और मैंने मोशन मिला, मैंने चलते हुए बाइक से मैंने पीछे से वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बहुत ही बढ़िया चली भी थी, अच्छी लगी थी, और मुझे बहुत प्यारा कि यार क्या मैंने मस्त कैप्चर किया है मैंने। वो भी मुझे आज तक, उसके बाद मुझे तो अभी तो कुछ ऐसा, बाकी नैनी ब्रिज का तो है ही, वहाँ से भी व्यूज बहुत प्यारा आता है। तो आने वाले मानसून में कौन कौन जाने वाला है और व्यू देखने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बताना। एक ऐसी सीख जो प्रयागराज ने आपको दी? प्रयागराज ने सीख यार देखो बहुत दी है ना, क्योंकि अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। ओके, ठीक है, क्योंकि लाइफ स्ट्रगलिंग है, आप खुद से बना रहे हो, खुद से खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना, पढ़ भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो ज़िंदगी जीना कैसे है ये प्रयागराज सिखा देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा आता है खाली हाथ नहीं जाता है ना, कोई बाहर से पढ़ने आता है तो वो या तो कोई पोस्ट लेके जाता है, यहाँ से अधिकारी की पोस्ट लेके जाएगा, और वो अगर नहीं भी लेके जाता है ना, मैं कह रहा हूँ, वो इतना यहाँ पर पढ़ लेता है कि वो अपना जीवन जी लेगा आराम से, कुछ नहीं करेगा, टीचिंग करेगा यार, है ना, और इतना कुछ वो सीख के जाता है यहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं करेगा, जाके अपना रेस्टोरेंट खोल लेना, तो खाना बनाना तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गया, कुछ नहीं तो दाल चावल खिलाना लोगों को फिर देखो, क्योंकि आजकल तो पुराने ज़माने का ट्रेंड फिर से आ रहा है, तो आजकल लोग दाल चावल चोखा ही खोजते हैं, आप जाके उसका रेस्टोरेंट खोलो वो भी चलेगा, ठीक है? तो ये है कि ज़िंदगी जीना कैसे है प्रयागराज आपको सिखाएगा, बस ये है। बिल्कुल, क्या चार्ज रहता है आपका प्रमोशन का? नहीं यार देखो, ये थोड़ा सा पर्सनल भी होता है, और ये किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप भी मत बताना। तो आप लोग लिख के भेजते हो? हम लोग लिख के भेज देते हैं, बात पे नहीं होता है ना, बाकी अगर अब कॉल कर दें पूछ लें थोड़ा सा कंसेशन या जो भी चीज़ें हुई तो हमने उनको बता दिया, क्योंकि अच्छा ही लगता है मुँह पे भाई भैया इतना लेंगे या इतना करेंगे, एक लिख के भेज दिए, आपको अच्छा लगता है आप कराओ, नहीं अच्छा लगता है आप मत कराओ, कंसेशन की बात होती है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, सब में चलता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, बट ये है कि बस हम लोग बताते नहीं, बाकी सबको पता रहता है चार्जेस किसके हैं, कितना है सबका, पता सबको है, बट कोई बताता नहीं कि भाई हम इतना करते हैं बस ये। तो पहला जब प्रमोशन हुआ था, हाँ, पहला प्रमोशन, हाँ, उसमें कितना आपको मिला था? पहला प्रमोशन मैंने 1500 में किया था, पहला प्रमोशन 1500 से स्टार्ट किया, 1500 यही कर लीजिए,
और उससे अभी भी बहुत ज़्यादा बहुत नीचे नहीं कर सकते हैं, पर यह कि एवरेज में आप उतने में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने प्रमोशन नहीं किया, बहुत पहले किया था, पहला प्रमोशन कौन सा था मुझे तो याद भी नहीं है है ना, तो वो कि प्रमोशन में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो ये था कि पहले आता है देखते हैं, क्योंकि आइडिया लेना था, पैसा वहाँ मैटर था ही नहीं, आइडिया लेना है, करना है, देखते हैं, अभी तो प्रमोशन किए नहीं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, एक बार देख तो ले, एक्सपीरियंस है ना, सीखते हैं हम लोग, तो सीखने के लिए हमने किया, और उधर से जो भी चीज़ें हैं हुई, तो बस यही है, बाकी अभी तो रेट का क्या है, रेट तो अप डाउन होते रहते हैं। सो अगर प्रयागराज की बात की जाए तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रयागराज में हैं, तो आप अपने आप को कैसे अलग बनाते हैं उन सब से? यार देखो, इस समय जो सोशल मीडिया है और इन्फ्लुएंसिंग का जो काम है, हर इंसान चाहता है कि हम इन्फ्लुएंसर बन जाएं, है ना, यूथ चाह रहा है और कर भी रहे हैं, आप करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उस पर थोड़ा सा प्रॉपर काम करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक मैं बताऊंगा आपको, मतलब पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि बोल देना चाहिए, हमेशा आप प्योर कंटेंट बनाइए। मैं एक लोगों को बता रहा हूँ कि आप कभी भी किसी की वीडियो उठा के मत चापिए, होता है ना ये बात, जैसे अभी हमने मैंने कोई वीडियो बनाई है अच्छी सी, खूब मेहनत की है, हम गए अपना पेट्रोल फूंक के, धूप में तप के वीडियो बनाई है ना, शूट किया, आया, एडिटिंग किया, स्क्रिप्ट लिखा, बनाया, लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कौन चला रहा है पेज नहीं पता, अननोन कोई पेज बनाया, दूसरी के वीडियो उठा रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, अच्छा सेम टू हमारी वीडियो, मेरी वीडियो बहुत चोरी हुई है और होती भी है, सबकी होती है, मेरी पर्सनल नहीं होती, सबकी होती है, पर यही बस सबके सबसे एक है गुजारिश है भाई कि इन्फ्लुएंसर बहुत मेहनत करते हैं, है ना, तो जो प्योर कंटेंट डाल रहे हैं, जो अपने कंटेंट डाल रहे हैं, उनका तो मत चोरी करो, अगर डाल भी रहे हो आप तो यार क्रेडिट दे दो एक बार, उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरा कंटेंट है तो ठीक है आपने उठाया, या पूछ लो एक बार, DM कर लो, भैया मैं ये वीडियो ले लूँ आपका, अपने पेज पर डालना है। बट अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओ कि आप किसी का वीडियो उठा के डाल दे रहे हो, आप प्योर बनाओ, अपना पेज बनाओ, ओरिजिनल सब कुछ। मैं कभी मेरा कोशिश ये रहता है, और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कभी किसी का वीडियो नहीं डाला है, और डालता भी नहीं हूँ, सोचता हूँ अगर कोई कंटेंट छूट गया नहीं डालेंगे चलेगा, बट अपना शूट करूंगा, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन जो अपने वाले में होता है वो नहीं होता है, भाई अपना शूट करेंगे, अपना एंगल भले कूड़ा शूट करूंगा बट अपना ही डालूंगा ये कोशिश करता हूं मैं। तो यही होना चाहिए कि भैया अपना आप बनाइए, अपना प्योर कंटेंट डालिए, जो भी बना रहे हैं आप सिर्फ म्यूजिक भी बना रहे हैं, आप सिर्फ म्यूजिक बनाइए, पर आप शूट करिए, आप एडिट करिए, आइडिया सबसे लीजिए, है ना, आइडिया लीजिए, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन सा प्लेस एक्सप्लोर कर रहा है, आप भी वो एक्सप्लोर करिए, सब कुछ सीखिए, कॉपी मत करिए। उठा के पता चला आप कुछ, आप क्या गए वहाँ से कॉपी लिंक किए, गूगल पे जाके सेव कर लिए, तड़ से चिप दिए, हो गया वीडियो आ गया आपका, डाल दिए, उसके बाद चार लोगों को लैप भी कर दे रहे हैं, है ना, तो भैया ये ना करो, बस सिंपल सी बात, इन्फ्लुएंसर बनिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग खुद ही सपोर्ट करते हैं, मैं खुद ही करता हूँ यार, जो भी कोई नया बंदा स्टार्ट करता है तो मैं खुद ही बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो ये अपने मन का काम कर रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है एक दो कि हाँ चलो भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर रहा है, बट अपना कंटेंट बनाइए, तब तो फिर आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आप प्योर बना रहे हैं तब तो आप मेरे लिए राजा हैं, अगर आपका मैंने आपके चैनल पे मैंने वीडियो देख लिया कि भाई आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो राजा तो हो आप, पर फिर थोड़ा सा मन में खटकने लगता है यार अगले गन ने मेहनत किया था हो गया गड़बड़, है ना, तो क्रेडिट दे दो, ऐसे कर दो, वैसे ये तो है। हेट कमेंट्स आते हैं आपको? हेट कमेंट्स बहुत आते हैं। किस टाइप के आते हैं? एक बहुत तगड़ा मुद्दा है, पर पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलता हूँ फिर हेट कमेंट में क्या, अभी बीच में क्या हुआ था, कभी कभी होता है कुछ लोग गालियाँ भी लिख देते हैं। अच्छा। हाँ, वीडियोस पे कमेंट, रेस्टोरेंट का ही मान लो डाल रहे हैं हम लोग, खाना अच्छा नहीं हुआ, कभी गए इत्तेफाक से उन लोगों का, तो उस पर गाने, क्या बे कैसे ऐसे डाल, पैसे के लिए तुम लोग कुछ भी कर देते हो, है ना, तो ऐसे ऐसे चीज़ें। और अभी रिसेंटली अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, पता होगा, है ना, तो हमने वीडियो एक बनाई थी और यहाँ मस्जिद है ना चौक में, हमने एक क्लिप सोच उसका इसलिए नहीं ली थी कि वो मस्जिद है, इसलिए ली थी कि वहाँ पे झंडे वंडे लगे हुए थे, तो हमने एक क्लिप ले ली, और वो छोटा सा क्लिप हमने अपने वीडियो में वाहिगुरु की वहीं से हनुमान जी का यात्रा अंदर सजते हैं हनुमान जी, तो वहीं से था, सज रहे थे ना हनुमान जी, सज रहे थे पजावा के, पजावा का वहाँ पे है हाँ ना, सज रहे थे, तो वहाँ से हमने क्लिप लिया और वो वीडियो में ऐड किया था, तो मैंने, मेरा कोई इंटेंशन ही वो नहीं था कि मस्जिद का कुछ ऐसा कुछ, है ना, तो वीडियो डाल दी,
एक दो दिन बाद उस पर गाली आने लगे मुझे पर्सनली, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह व्हाट्सएप पे भी पहुंच गए लोग। हाँ, व्हाट्सएप पे फो कॉल आने लगा। एक कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी है खराब है नहीं पता, पर गाली लिखना इज अ बैड थिंग है ना। आप गाली लिख रहे हो, आप कमेंट में गाली लिख रहे हो, आप मेरे इनबॉक्स में गाली घुस के लिख रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि आप दंगा कराओगे। बट मेरा इंटेंशन तो वो नहीं था, वो आप ले रहे हो। क्यों ले रहे हो भाई, हमने तो कुछ और दिखाया था, है ना। पर आपने वो फोकस कर लिया। आपको तो उसमें कुछ सपोर्ट भी कर सकते, कुछ बोल सकते थे, अच्छा बोल सकते थे, बट आप उल्टा सीटा गाली लिख रहे हो। फिर बहुत लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया वीडियो हटा दीजिए, है ना, दंगा। फिर मुझे लगा कि यार अगर आप लोगों का कहने से ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि वीडियो देख के लोग दंगा कर देंगे, तो ये दंगा कौन करेगा? हम तो नहीं कर रहे, आप भी नहीं करो, करेगा कौन? तो ठीक, अगर आपको लगता है कि दंगा हो जाएगा तो फिर ठीक है, मैं वीडियो को हाइड कर देता हूँ। फिर मैंने वीडियो को वहाँ से, वो वीडियो, जबकि वीडियो काफ़ी अच्छी रीच पे थी, लोगों को ये लगा कि रीच पाने के लिए कर रहे हैं, है ना, ये लगा कि रीच पाने के लिए कर रहे हैं। ये कुछ रियलिटी है जो खाली इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं। हाँ, पर हम लोगों ने तो पूरा वीडियो बनाया, और वो उस पोर्शन का लेने का बस रीज़न यही था कि हम वहाँ पे गए, ठीक है, और बगल में पजाबा के हनुमान जी उसी गली में सजते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो वहीं सज रहे थे, वहीं से मैंने एक क्लिप ले लिया, और बहुत छोटा था, 2-3 सेकंड का क्लिप था वो, और बस उतने लगाए, उतने में फिर दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने हटाया, गाली भी बहुत सुना, बेवजह का गाली सुन गया, है ना। तो पर कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है, हमेशा इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से एकदम दूर रहना है। इग्नोर करिए, इग्नोराय नमः। हाँ, बाकी सब बढ़िया है, चौचा के बस यही है। तो अब बारी एक छोटे से रैपिड फायर राउंड की, जो कि आप लोगों का काफ़ी फेवरेट सेगमेंट है, काफ़ी मज़ा भी आता है उसमें। अच्छा, हमें डर लग रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, चलेगा। बहुत ही आसान से, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, चलेगा। और वन वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कुछ बताऊंगा, आप खट्टे से एक शब्द बोलिएगा, खत्म। ठीक है, इस टाइप का ही रैपिड फायर राउंड है, मजा आती है इसमें। ठीक है। और आज का रैपिड फायर राउंड पैराग्राफ बेस पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो गेस्ट होता है उसके फील्ड से रिलेटेड वाला रैपिड फायर राउंड होता है। आज मैंने प्रयागराज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो पूछ लिया आपसे, वो अलग सेगमेंट था, लेकिन रैपिड फायर राउंड एकदम नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। वो आपके बेस पे आज, आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फेवरेट मूवी? ऋतिक रोशन की मूवी यार, वो जिसमें क्रिश नहीं यार, पुरानी मूवी थी यार, क्या नाम था, भूल गया मैं उसका नाम। हाँ, नहीं मेरे को नहीं याद। हाँ, कहो ना प्यार है। अच्छा, ओके। कैट या डॉग? डॉग। स्वीट या मतलब कड़वा या मीठा? मीठा पसंद है ज़्यादा। फेवरेट स्पोर्ट, देखना पसंद है या फिर खेलना पसंद है? यार स्पोर्ट में मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। स्पोर्ट्स भी पसंद है, ये बढ़िया। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है आपकी? कुछ ऐसा बढ़िया मज़ेदार कोई चीज़ किया हो? हाँ, हो सकता है बाद में फिर मार वार खाए हो, लेकिन याद बन गई कि हाँ कुछ किया था बचपन में, मज़ेदार। हाँ, किया था, एक तो याद है। हाँ, बताएं। दरअसल था क्या कि छोटे थे, है ना, तो हमको लगा 3 या 4 में होंगे, तो स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो अच्छा, मेरे नाना जी रेलवे में थे, तो क्वार्टर में रहते थे हम लोग, तो मेरा एक फ्रेंड शाम को आया, स्कूल का ही था, तो छोटा था, 4-5 में, तो वो शाम को आया, बोला भाई मेरे भाई का बर्थडे है, चलना है, ठीक है। तो हम बोले ऐसे तो नहीं चल सकते हैं, घर वालों से परमिशन, तो हम बोला कि मेरा घर बगल में ही, अच्छा हमको पता नहीं था उसका घर कहाँ पे है, स्कूल से बस आया था कि मार्केट से जाता था, तो आ गया हमारे घर, भी चलना है तुमको, बोले ठीक है। तो आया मेरे घर पे, तो नानी से सबसे पूछा कि नानी जी आज इसको बर्थडे है तो ले जाते हैं, तो हम तो खुश थे भाई आज बर्थडे में जाएंगे, बढ़िया खाने वाने को मिलेगा, पार्टी है आज। तो अच्छा, वो उसने झूठ बोल दिया था क्या कि घर, अच्छा उसका बहुत दूर था, है ना, अच्छा बहुत दूर था घर, उसका बहुत दूर था, उसका घर था कम से कम हमको लग रहा है हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर, 5-6 किलोमीटर। और उसने बोला कि आंटी आप गली छोड़ के दूसरी गली में मेरा घर है, ठीक है। वो मेरे को भी नहीं पता था, अब वो लेके मेरे को चला गया। जब वहाँ चले गए तो हुआ था कि आधे घंटे में पहुँचा देंगे साइकिल से, उस समय साइकिल चलते, बोला कि साइकिल पे छोड़ देंगे आंटी नानी जी, तो ले गया मेरे को। तो उसके बाद फिर ले गया, फिर वहाँ पे केक कटने में लेट हो गई, 7 बज गया, 8 बज गया,
यहाँ 7-8 बज रहा है, उधर घर वाले परेशान खोज रहे हैं बगल वाली गली में कहाँ गया, बगल वाली गली में खोज रहे हैं कि कहाँ गया है, नहीं कहाँ बर्थडे पार्टी है आज। ऐसे करते करते पूरा हमारा 5-6 किलोमीटर मैंने मामा नाना सब कुछ अपना खोजे हो जाए। तो लास्टली 8:30-9 बजे रात में, मुझे अभी भी याद है, तो जहाँ पे घर था बहुत दूर था, तो बाहर से आवाज़ आई कि कोई आया है राहुल तुमको बुलाने। अच्छा हम छोटे थे तो उस समय कुछ वो डर तो अंदर से लग रहा था, गलत तो हो गया है, देर हो रही है, देर हो रही है। बताया था बगल में लेके आ गए इतना दूर अब तो फंस गए, साइकिल पे बैठ गए थे तो उतर भी नहीं सकते हैं, तो चले गए। उसके बाद बाहर देखे तो मामा खड़े थे तो गुस्से में लाल है ना कि अरे बताया यहाँ थे चले आओ यहाँ पे, तो हमको तो पता ही नहीं था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे घर पे ले गए, डांट वाट तो खूब अच्छे से पड़ी, चाँप के एकदम चौचक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में फिर नानी आई स्कूल में, फिर प्रिंसिपल से कंप्लेन लड़के का की अच्छा है ना, तो स्कूल से कंप्लेन लड़के का हुआ, बर्थडे बुलाने आया था, बर्थडे मनाने आया था, क्या से क्या हो गया। फिर उसकी वॉट लगी क्लास में कि झूठ बोल के इसको ले गए हो ऐसे वैसे, हमको भी डांट पड़ी क्यों गए तुम है ना, अपने मन के हो गए हो तुम लोग ऐसे वैसे। उसके बाद हुआ पनिशमेंट, अच्छा उस समय मिलता था, दो पनिशमेंट उस समय बचपन में मिलता था, क्या क्या बताओ, मैं बताता हूँ। पहला पनिशमेंट मिलता था कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, अच्छा है ना, इग्नोर, हाँ इग्नोर करो, मैंने दो दिन इनसे कोई बात नहीं करी, तीसरे दिन से बात करना। और दूसरा पनिशमेंट होता कि लड़कियों के बीच में ले जाकर बैठा देते थे, अच्छा है ना, दो लड़कियाँ ऐसे बैठी उनके बीच में। अब अच्छा बचपन है छोटे तो ऐसे ही बैठे हैं डर के मारे, लड़कियों से शर्म भी आ रहा है, तो ये पनिशमेंट हम लोग को दो दिन मिला था दोनों लोगों को। अरे भाई एक दूसरे से बात नहीं करोगे। और उसके बाद फिर ले आके जब भी क्लास हो पूरे टाइम लड़कियों के बीच में ऐसे बैठे, अब वहाँ पर न राइटिंग बन पाए न कुछ पढ़ पाए, याद नहीं आता था। तो ये था एक बढ़िया मेमोरी जो भी लगता है यार क्या ही बचपना था फर्जी का, ऐसे तो बहुत कहानी है पर ये एक तो अजीब सा कहानी था ये। ओके, एंड्रॉइड पसंद है कि iOS? देखो यार जो जिसने मेरा साथ दिया है वो एंड्रॉइड था, तो एंड्रॉइड पसंद है। iOS इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी क्वालिटी वीडियो स्टेबल होती है, इसलिए पसंद है। बाकी स्टार्टिंग में मैंने उसी से एंड्रॉइड से ही बनाया हुआ है वीडियो है ना, पहली रीच हमको उसी से मिली थी, YouTube पे भी कुछ वीडियो रील्स उस डाली तो सब उसी से, कोई पैसा ही नहीं था तो लेंगे कहाँ से 50-60 हज़ार का मोबाइल है ना, तो इसलिए अभी भी इंसान स्किप करने के लिए सोचता है कि यार इतने का है इसको कैसे करें, तो है तो वो बेस, क्योंकि हर एंड्रॉयड वाला, अरे सॉरी हर एप्पल वाला iOS वाला एक एंड्रॉयड साथ में रखता है चाहिए तो एंड्रॉयड चाहिए तो एंड्रॉयड ही लास्ट में, क्योंकि मेरे पास सबके पास होता है एक वो रखता है ये ऑप्शनल में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे एप्पल में होती हैं कि उसमें ये नहीं रख पाता। मेरे दोनों फ़ोन एंड्रॉयड है इस समय एंड्रॉयड में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हाँ। है ना, तो आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम इस समय इसका यूज, सैमसंग में और भी बहुत चीज़ें, वन प्लस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बढ़िया यही है। फेवरेट म्यूज़िक? फेवरेट म्यूज़िक सॉन्ग? हाँ सॉन्ग, सॉन्ग तो एक दो है फेमस, जैसे एक तो है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, एक ये हो गया। और एक गाना है बहुत लग जा गले, लग जा गले, तो आपका टेस्ट थोड़ा सा ओल्ड टाइप है। हाँ पुराने गाने, पुराने गाने में पसंद है, नए गाने के में क्या विचार है आपके? इस समय तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है विदा करो, हाँ ना, ये भी सॉन्ग अच्छा है। मैंने अरिजीत के तो काफी सॉन्ग सब अच्छे ही हैं, बट ओल्ड 90s के जो सॉन्ग है, और 90s के हम लोग हैं तो 90s के सॉन्ग 90s वाले हैं, वो एक नंबर, उससे पुराने ये तो लग जा गए तो और भी पुराना है, सब पुराने गाने, तो ओल्ड सॉन्ग ग्रेट। अगर आपको मौका मिले कोई बहुत पुराने आदमी से, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी हो, मिलने का मौका मिले, तो आप उससे क्या पूछेंगे? पुराने आदमी से मतलब? मतलब जो जा चुका है, कोई भी हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, कुछ भी, कोई प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, हाँ। कोई ऐसा आदमी जो अभी नहीं है दुनिया में, हाँ। अगर वो आपसे मिले, हाँ। आपको मौका मिले किसी एक आदमी से मिलने का जो पहले था, हाँ, हाँ। तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे और वो कौन आदमी होगा? हम तो सबसे पुराना जो जैसे मैथ्स का जिसने आविष्कार किया भैया होता है ना, अभी रील भी चल रही, भैया ये साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा गामा, मतलब इसका यूज करना क्या है, बहुत पढ़े हम हाँ। तो भैया बता दे भाई कहाँ यूज कर रहे हैं हम, इसको समझ नहीं आ रहा है अभी तो यही है भाई आर्यभट्ट या जो भी वो लोग थे पुराने लोग, अगर मिल जाए तो उनसे भाई ये
भाई मैथ्स क्यों बनाए, मैंने समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छे जीवन जीने के लिए है, पढ़ा सकते हैं, बट कुछ समझ साइंस डेटा ये बेसिक तक ठीक है, उससे ऊपर को जाते हो? हाँ, उसमें क्या चाहते हो, कहाँ यूज़ करना है समझ ही नहीं आ रहा है। लाइफ में हम कहाँ यूज़ करें, लाइफ तो अलग तरीके से डिसबैलेंस है। ओके, तो यही है। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर रेड। रेड, हाँ, मतलब थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लैक, एवरग्रीन, रेड ब्लैक, ये सब। ओके, फेवरेट बुक, कोई बुक पसंद है आपको? बुक बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ता हूँ, बट अभी नीलोत्पल मृणाल की एक आई थी, है ना, डार्क हॉर्स। अच्छा अच्छा हाँ, ये मैंने पढ़ा है, बढ़िया है। और अघोर एक बुक है ना, अमीश की, अमीश जी की वो बुक है। तो ये सब है, मतलब कि रिलेटेड, अगर हमारी बुक, अगर बाकी भोलेनाथ से अगर कोई रिलेटेड बुक है तो ये मुझे बहुत भाती है। मैं अच्छा, अरे कोशिश करता हूँ कि उनका भक्त हूँ थोड़ा सा, तो ये कोशिश करता हूँ कि उनकी उनके बारे में थोड़ा सा जानूँ, तो ये सब पढ़ता हूँ। ओके, पिज़्ज़ा या बर्गर या घर का खाना? घर का खाना बेस्ट। okay. उसके बाद अगर ऑप्शन है तो पिज़्ज़ा। ओके, घर का खाना तो बढ़िया, दाल चावल चोखा, यही बढ़िया है जो बनाते हैं हम लोग, बाकी उसके बाद पिज़्ज़ा। ओके, अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी होगी? सुपर पावर जैसे? कोई भी सुपर पावर जो आप, जैसे उड़ना या टेलीपोर्ट होना। अच्छा, ये कोई भी एक ऐसा जो आप सोच सकते हो, ऐसा कोई सुपर पावर अगर आपको चाहिए हो। सुपर पावर तो फिर मैं गायब होने वाला चाहूँगा, जिसमें जब मंत्र मैं गायब हो जाऊँ। अभी यहाँ हूँ, गायब होके वहाँ पहुँच जाऊँ, टेलीपोर्टेशन। हाँ, ये कह सकते हो, है ना, जहाँ पे तुरंत अवतरित हो जाऊँ। गायब होके, मिस्टर इंडिया। ओके, ये वाला। चाय या कॉफी? चाय, चाय इज लव। चक चाय, चक चाय। चाय को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिन में मुझे 3-4 चाय चाहिए होती है। अच्छा, चाय बेस्ट है। ओके, फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबी, यार इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बड़ा आंसर है, को समझ नहीं आता है। एक्चुअली लोग बचपन से लोग पूछते हैं हॉबी, और मुझे आज तक समझ नहीं चला एक्चुअली में, सॉरी, समझ नहीं आता, मतलब कि हॉबी को, मतलब हॉबी में क्या रखें। हाँ, है ना, एक बार बहुत कन्फ्यूजन है सच्चन को भी है। हाँ, होता है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मुझे तो ये भी अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है, तो करें क्या, मतलब हॉबी में किस चीज़ को रख दें, किस चीज़ में हम बेस्ट हैं, ये भी नहीं समझ, क्योंकि कभी इंसान किसी चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सीखता रहता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत गाने में, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही हमारा म्यूजिकल है। अच्छा, अरे वाह, तो थोड़ा म्यूजिक में आप कह सकते हो, थोड़ा सा डांस वांस में कह सकते हो, है ना, वीडियो शूट में कर सकते हो, है ना, वीडियो कैप्चर करना, फोटो ग्राफिक्स में कर सकते हो, फोटो खींचना मुझे अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्ट कह सकते हो। हॉबी को समझ ही नहीं आता आज तक, क्या है हॉबी, कन्फ्यूजन बना है। माउंटेन या फिर बीच? माउंटेन, उसकी वादियों की बात ही अलग है, बीच की नहीं। आसमान मतलब थोड़ा सा करीब से दिखे, ऊपर से चढ़ के, है ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो ऊपर से, है ना, बीच पे वो मज़ा नहीं, वो तो बीच से तो आपका हवा तो आएगा ही, पर जो पहाड़ों पे जो मज़ा है वो अलग है, वो अलग है। ओके, क्योंकि जाना है बहुत जगह मुझे, बहुत, अभी मुझे तो लग रहा है मैं पहाड़ों पे बहुत कम ही गया हूँ। ड्रीम प्लेस क्या है? ड्रीम प्लेस तो बहुत जगह है। उत्तराखंड, उत्तराखंड है, ऋषिकेश है, हिमाचल प्रदेश है ना, और यही सब है, जहाँ भी पहाड़ी इलाका हो वहाँ पे जाने। ओके, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? भी फ्यूचर प्लान, बाकी ये तो अभी आप जानते ही हैं, इन्फ्लुएंसिंग चल रहा है ना, और सोशल मीडिया है भाई, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये हम को हमेशा हमेशा बी ऑप्शन रखना चाहिए, और पर अभी सबके साथ, हम लोग के साथ ए ऑप्शन पे चल रहा है ये। है ना, तो बट फ्यूचर यही है कि हमारा जो ट्रस्ट है उसको ग्रो करना है, कि उसके साथ साथ हमें रोज़गार उत्पन्न करना है, लोग हमारे साथ जुड़ें, हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि लोगों को भी रोज़गार दे सके और खुद का भी खर्चा चला सके एक काम के जरिए, और समाज में एक बदलाव कर सके। ठीक है, और एक इवेंट कंपनी का भी प्लानिंग है आगे, है ना, कि थोड़ा बहुत मैं करता भी रहता हूँ, पहले से भी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो काम है मुझे अच्छा लगता है, है ना, क्योंकि थोड़ा मैनेज कर पाऊँ, है ना, कोई भी काम करूँ तो उसको प्रॉपर वे में करा पाऊँ, तो मैनेजमेंट अच्छा लगता है मुझे। तो बेसिकली ये है कि आगे एक इवेंट बढ़िया ब्रॉड, जिसमें मैं तो करूं ही, मेरे साथ जो 10-50 लोग रहें उनको भी काम मिले, वो भी अच्छा काम करें, बस ये है। तो इतने अच्छे और इतने बढ़िया मैसेज के साथ आज का पॉडकास्ट यहाँ पे हम लोग एंड करने वाले हैं, और अब मैं देने जा रहा हूँ भैया को एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। भैया, ये आपके लिए।
तो सबसे पहले साहिल को बहुत सारा प्यार, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है, आपको समाज से लड़ना पड़ता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी लड़ना पड़ता है, दोस्तों यारों से भी लड़ना पड़ता है कि भाई क्या कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, पता नहीं कैसे आगे करेगा, क्या फ्यूचर है इसमें, है ना। पर ये जो कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को बुला के और उनका पॉडकास्ट बनाना, अपना समय देना, मतलब बहुत बड़ा काम है। ईश्वर करे आप बहुत आगे जाएँ, महादेव कुछ करे खूब आगे जाएँ आप, है ना। और आज का जो एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, अब तक मैंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं, मैंने पॉडकास्ट अभी कराया नहीं, इंटरव्यू कभी दिया नहीं, है ना, इस टाइप से, मतलब अच्छे से, क्योंकि आजकल हर इंसान परेशान है और हर इंसान चाहता है कि कोई सुनने वाला हो, है ना। तो ये आप काम कर रहे हो कि आप हमें सुन रहे हो और हमारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हो, है ना, इस चीज़ के लिए आपको नमन है, ठीक है। और खूब आगे तरक्की करिए, और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप खुद भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम कर रहे हैं। सेटअप इतना प्यारा बनाया हुआ है, मैं तो आके देख के खुश हो गया बहुत बढ़िया सेटअप है। तो ये है कि ईश्वर करे बहुत आगे जाएं, और आज का सेशन बहुत ही प्यारा था, बहुत ही कह सकते हैं चौचक था, है ना। ओके, मैंने अपनी ऐसी चीज़ें बताई हैं और ऐसी चीज़ें मेरे जो मन में थी शायद मैंने किसी को नहीं बताई होंगी अभी, ये सब चीज़ें, है ना। कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट थे जैसे जॉब वाला या जो भी चीज़ें, तो ये सब आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो ये आपने रिकॉर्ड किया, लोगों तक पहुँचाएंगे, बहुत थैंक यू सो मच। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो मिल के बढ़ेंगे आगे, हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे। बाकी इसी चीज़ के साथ वाणी को विराम, धन्यवाद।